आज ना थोड़ा असाइनमेंट असाइनमेंट भी है कॉलेज का एग्जाम भी पास आ रहा है और बहुत सारे काम भी है जे डब्ल्यू का पढ़ना है मेरे को और वीडियो एडिटिंग का भी काम है प्लीज प्लीज आज मना मत करना प्लीज दो तीन दिन से देख रहा हूँ यार ऐसे तो ही ऐसे ही कर बड़ बड़ पे लेटे रहे ऐसे थोड़ा यूट्यूब देख ले तो ऐसा कल पे हम लोग तो ऐसे कुछ ना कुछ आज नहीं तो कल पे हम लोग कल ढकेलते रहते हैं कि आज नहीं ठीक है मैं कल कर लूँगा ये बात मैं परसों कर लूंगा लेकिन हम लोग अभी नहीं करते तो ये उसी के ऊपर है कि आपको ना थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा आपके आपका जो भी आप जो आगे का सोचते रहते हो कि आगे चीज़ें ढकेलते रहते हो वो आपको थोड़ा कम करना है तो बस मैं इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ तो देखो सबसे पहले ना हमारे हमारा सबका ना कोई ना कोई एक एक छोटा इमेजिनेशन तो होता ही है जैसे किसी को शॉर्ट मूवी बनानी है किसी को यूट्यूब के ऊपर चैनल खोलना है किसी को एक बुक लिखनी है किसी को ट्रेकिंग पे जाना है किसी को हिमालयास पे जाना है ऐसे टाइम पास के लिए तो हम सबका कोई ना कोई एक छोटा सा ड्रीम होता है ठीक है तो हम लोग ना उसको उस और हम सबको वो पूरा करना होता है ठीक है तो आप लोगों को मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि मेरे साथ हुई है और मेरे दोस्तों के साथ भी हो चुकी है और हम सबके साथ आगे शायद आपके सबके साथ आगे होगी और हम सबके साथ हो चुकी है ठीक है तो देखो सबसे पहले ना नब जैसे कि मैंने बताया आप सब हम सबके पास कोई ना कोई एक आइडिया होता है जो हमें एग्जीक्यूट करना होता है तो सबसे पहले हम अच्छे से उस आइडियाज़ को दो तरह में क्लासीफाई कर देता है ठीक है तो सबसे पहला आइडिया है जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो दैट इज एग्जीक्यूटेबल आइडियाज एंड दूसरा जिसके लिए एक बहुत बड़ा फंडिंग लगेगा फॉर एग्जाम्पल आपका कोई जो तो एक बिजनेस का आइडिया है आपके पास जिसके लिए आपको करोड़ों रुपए का शायद आपको फंडिंग लगेगा जैसे आपको समझ लो कि आपको कोई शॉर्ट फिल्म बनानी है यूट्यूब के ऊपर उसको थोड़ा फंडिंग लगेगा नहीं वो शॉर्ट फिल्म उसके अंदर नहीं आता है जैसे समझो कि आपको कोई थिएटर ओपन करने है तो उसके लिए फंडिंग लगेगा आपको पहले सबसे पहले रियल स्टेट की ज़मीन लगेगी उसके बाद आपको मूवीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा कि आप थिएटर में कौन सी मूवीज़ दिखाएंगे फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कितने स्क्रीन अच्छे प्रोजेक्टर थ्री स्क्रीन तो ये सब के लिए मजबूत वाली फंडिंग लगेगी आपको एक आ, आपको ये आइडिया आपका एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर आपको कोई भी स्टार्टअप का आइडिया जिसके लिए फंडिंग लगेगी तो देखो तो हम इसी के बारे में बात करेंगे तो आप इस और एक दूसरा और एक इसी की दूसरी कैटेगरी होती है जो कि अपने छोटे छोटे आइडियाज और एग्जीक्यूटेबल जैसे शॉर्ट फिल्म जैसे शॉर्ट फिल्म जो मैंने पिछले बोला पिछले एग्जांपल में बोला आप लोगों को जो कि मेरा गलत एग्जांपल था हालांकि लेकिन शॉर्ट फिल्म एक ऐसी फिल्म है देखो आपकी शॉर्ट फिल्म बनानी है आपके लिए इसके लिए गेयर्स लगेंगे आपको एक अच्छा खासा मोबाइल कैमरा लगेगा आपको लाइटिंग्स लगेंगे आपको एक्टर्स लगेंगे ठीक है तो ये हो गया तो ये आपके हो गए छोटे आइडियाज जो कि एग्जीक्यूटेबल बहुत मुश्किल है उनको एग्जीक्यूट करना लेकिन मुश्किल एग्जीक्यूट कर सकते हैं ठीक है थीके? मैं आप लोगों को ना एक तगड़ी एक स्टोरी बता रहा हूँ सबसे पहले मैं ये तो, आगे वीडियो कंटिन्यू करू इससे पहले कि आप सबने एक प्ले स्टोर पे ऐप है मैं ऐप का नाम नहीं लूंगा लेकिन वो ऐप के ऊपर अभी वन मिलियन प्लस डाउनलोड्स है और वो और वही सेम आइडिया जो वो ऐप पहले नहीं था और जब बाद में आया तो वही सेम आइडिया मेरे दोस्त ने कॉल करके मेरे को बताया था कि ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं तो उसका आइडिया ये था कि हम लोग क्या करते हैं कि घर पे दूध वूध डिलीवर नहीं होता है ठीक है स्विगी विगी पे दूध वूध कोई डिलीवर नहीं होता है तो उसका क्या आइडिया था कि हम दुकान वालों से नीचे कॉन्टेक्ट लेंगे उनके वो ऐप देंगे उनको और हम लोग हम खुद की तरफ से ऐप की तरफ से इनिशिएटिव लेंगे डिस्काउंट वगैरह देंगे लोगों को थोड़ा फंडिंग वगैरह लेखें और हम लोग जो कि अपनी बेसिक ग्रोसरीज होती है जैसे सब्जी दूध अपने जो भी बेसिक्स वेजिटेबल होते हैं उनकी हम होम डिलीवरी देंगे तो ये उसने बोला ठीक है मेरे को बुला तो बोला तो मैंने बोला तो ठीक है मेरे को क्यों है मेरे को ऐप बनाना नहीं आता मेरे को ना ऐप बनाने आता ना मुझे पेमेंट एक्सेप्ट करने आता मुझे कुछ नहीं आता तो वो मुझे बोलता है कि ठीक है ना हम लोग कैसे तो करते और ठीक उसने जैसे ही बताया और उसके बाद मुझे कोविड हुआ था जैसे कि मैंने मेरे यूट्यूब वाले वीडियो में बताया उसमें मुझे कोविड हुआ था और उसमें जब मेरे अंकल ने मेरे को एक ऐप भेजा जो कि ये सब ग्रोसरीज जो उसका प्लान था उसने मेरे को एक हफ्ते पहले बताया था और वो एक ऐप वो कर रहा था और वो एक स्टार्टअप था तो वो देख के मैं थोड़ा सबसे पहले तो मैं हैरान हो गया था कि अरे मॉगसों में तो सेम आइडिया है खाली वो लोग उनके पास एक टीम थी तो देखो हालांकि उसके पास तो एग्जांपल से आपको यह बताना चाहता हूँ कि हालांकि उसके पास एक तगड़ा आइडिया था एक करोड़ों रेवेन्यू वाला जनरेट करने वाला एक उसके पास बिजनेस प्लान था लेकिन वो एग्जीक्यूट करने एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाया क्योंकि ना उसके पास नेटवर्क था ना उसके पास पैसा था पैसा नहीं था उसके पास ठीक है तो उसके पास नेटवर्क कौन सा नहीं था कि वो कोई अच्छे लोगों को या फिर कोई ऐसे दोस्तों को जानता नहीं था कि वो उनको ऐप बना के दें और इसके पास और आप आप बोलोगे फ्री लांस कि मैंने हायल किया मैंने बोला ना सेकंड ऑप्शन में उसके पास पैसे नहीं थे एक स्टार्टअप के लिए पैसे नहीं होते सबके पास तो आ, हम लोग इसके बारे में मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगा पैसों के लिए बारे में नीचे आ, 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 वीडियो के एंड में तो उसके पास ना पैसे थे ना उसके पास एक अच्छा नेटवर्क था तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि यार एक तगड़ा बिजनेस आइडिया हम लोगों के हाथ से छूटा हम लोगों के ये हो गया क्योंकि हम लोगों के पास ना पैसा था ना कोई हम लोगों को जानने वाला था और फ्रीलांसिंग में क्या मुझे दिक्कत लगी कि हम लोग फ्रीलांसिंग तो हायर कर सकते थे लेकिन मुझे फ्रीलांसिंग में ये दिक्कत लगी कि हम लोग ने उसको ऐप बनाने बोला तो इसकी क्या गारंटी है कि वो ऐप वो शेयर नहीं करेगा किसी के साथ एक तो बिजनेस में सिक्योरिटी तो होनी चाहिए था पता चला वो फ्रीलांसर ने बोला हाँ ठीक है ठीक है मुझे बताओ बताओ और लास्ट में पता चला कि वही हमारा आइडिया लेके भाग गया तो ऐसे भी एक तगड़ी सिक्योरिटी भी होनी चाहिए ना तो ऐसा मुझे दोस्त के साथ ही नहीं मेरे साथ भी हो चुका है ठीक है तो एक आप लोगों ने ना एक मैं क्रिएटर का नाम नहीं लूँगा लेकिन क्रिएटर ने ना एक वीडियो बनाया था ठीक है उसका नाम था कि उसका मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन उसने एक वीडियो बनाया था उसका एक सक्सेस के ऊपर मतलब एक हार्ड वाले के ऊपर और एक इजी वाले के ऊपर तो वो सेम वीडियो मैंने शूट करके रखा हुआ था मेरे मोबाइल में बस मैंने अपलोड नहीं किया क्यों क्योंकि मुझे लगा कि वो अच्छे से वो अच्छे से बना नहीं है उसके अंदर वो फीलिंग नहीं आई है वो वीडियो की जो मुझे चाहिए थी उस वीडियो में अंदर एक फीलिंग के लिए तो मैंने सोचा ये बाद में क्रिएट कर दूंगा तो ये वीडियो की स्क्रिप्ट रेडी थी मेरे पास मैंने वो वीडियो शूट किया अच्छे से कि आपको क्या क्या इजी लगता है क्या क्या हार्ड लगता है लेकिन आपकी चॉइस के ऊपर है तो लेकिन वो मैंने वीडियो अपलोड क्यों नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि वो Uh, इतना मतलब उसके अंदर वो वीडियो के अंदर वो वाइब नहीं है वो फील नहीं आ रही थी वो वीडियो के अंदर तो मैंने प्राइवेट रखा मैंने बोला ठीक है अब मैं फिर से इसको क्रिएट करूंगा तो उसके बाद हालांकि तब मैंने देखा कि उसने फिर मैं इंस्टाग्राम ऐसे स्क्रॉल करता तो मुझे उसका वीडियो दिखा मैंने बोला छिट गया कंटेंट हाथ से अगर शायद उसके जगह पर मैं होता तो मैं आज उसके जगह पे ट्रेंडिंग पे होता था ना क्योंकि क्यों 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 मैंने एक अच्छा खासा आइडिया मतलब एक कंसेप्ट एक वीडियो का जो मेरे पास था मैं बस थोड़े से रह गया उसको एग्जीक्यूट करने से मैंने और उसको मैंने कितना एक हफ्ते तक आगे ढकला था कि हाँ ठीक है कल कर लूंगा कल कर लूंगा कल कर लूंगा तो मुझे ऐसा लग अभी ऐसा लग रहा था कि काश मैं वो कर लेता था ना तो शायद वो वीडियो ट्रेंडिंग पे या वायरल पर हो जाता था लेकिन कोई बात नहीं हमारे पास ऐसे बहुत सारे टॉपिक है उसमें से एक ना एक तो चली जाएगा ठीक है सोचने में क्या जाता है तो ऐसा मुझे लग रहा था कि और मेरे साथ और एक मेरे दोस्त के साथ भी एक आइडिया था उसके पास आइडिया था कि वो कोई आ, कार से जब हम लोग जाते हैं ऐसे आउट ऑफ कंट्रीज में होता है कि आ, कार के अंदर बैठ के आप थिएटर में मूवी देख सकते हो तो ऐसा इंडिया में नहीं था तो मैंने उसको बोला कि ये आइडिया के लिए हमें पैसा मजबूत फेंकना पड़ेगा उस बिजनेस में मतलब सबसे पहले ज़मीन लो लोफिल स्क्रीन लो लोफिल थिएटर लो फिर ये सोचो कि कार के अंदर ऑडियो कैसे देना है तो और जैसे उसको बाद में पता चला एक दो हफ्ते बाद कि कहीं पर दिल्ली या महाराष्ट्र पूरे महाराष्ट्र में ऐसी जगह नहीं है ठीक है जहाँ पे आप कार के अंदर बैठ के मूवी देख सकते हो तो लेकिन उसका ये तगड़ा आइडिया फेल क्यों हुआ क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं था

हालांकि हम सबके पास एक्सेप्शन थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे और हम कुछ कर भी नहीं सकते थे ये एक रीज़न हो गया जो मैं खुद को दे रहा हूँ अभी तक लेकिन ठीक है <laughs> और और कुछ ऐसे आइडियाज भी होते हैं हमारे हम सबके दिमाग में जैसे मैं यूट्यूब के ऊपर चैनल को खोलूँगा मैं इंस्टाग्राम को ठीक करूँगा मैं इंस्टाग्राम मैं मैं इंफ्लुंसर बनूंगा ये सब आइडियाज़ एग्जीक्यूटेबल है प्लीज इनको एग्जीक्यूट करो आप लोगों को कुछ पता नहीं है कि कि आपके साथ आगे आगे क्या होने वाला है है आपने कुछ आगे सोचा नहीं है कि आप, तो, आप क्या करने वाले हो। तो कुछ ना कुछ जो हाथ में मिल जाए उससे कुछ ना कुछ करते रहो ठीक है जो फर्स्ट आइडिया था एग्जीक्यूटेबल शॉर्ट फिल्म वाला जो कि मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में दिया था आप उसमें क्या कर सकते हो पता है क्या अपना शॉर्ट फिल्म को साइड में रखो मतलब भूलो मत ठीक है प्लीज भूलो मत शॉर्ट फिल्म को उसको थोड़ा साइड में रखो और ये सालू करेगा कि शॉर्ट फिल्म के पहले आपको एक चैनल के ऊपर तगड़ा कंटेंट दो इसका मतलब इसका मतलब ये कि वो शॉर्ट फिल्म का आपको थोड़ा देर मतलब आपको उसको भूल जाना है और आप आपके यूट्यूब चैनल ओपन करो जो बेसिकली कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ लोगों के लाइफ में वैल्यू एड करता है कुछ ना कुछ छोटी सी चीज छोटी चीज़ जो लोगों को एक पसंद है या फिर उनको देखने में अच्छा लगता है वो बनाओ वहाँ से थोड़े से पैसे आ जाएंगे थोड़ी फंडिंग आ जाएगी देखो यूट्यूब के ऊपर से इतना पैसा तो आ जाता है कि आप एक शॉर्ट फिल्म बना पाओ ठीक है हालांकि मैं कमाता नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है इतना तो आपको शॉर्ट फिल्म को बनाने के लिए आपके पास गियर्स नहीं है ठीक है ना मत को ब्लॉगिंग करनी है गोप्रो नहीं है ठीक है मोबाइल का कैमरा है उसको थोड़ा स्टेबिलाईजेशन डालो थोड़ा एडिटिंग आपको थोड़ा मेहनत लगेगा यार लोगों को तुम्हारा कंटेंट या तुम गियर कौन सा यूज करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता है ब्रो। खाली इससे फर्क पड़ता है कि तुम जो वीडियो में बोल रहे हो क्या वैल्यू एड हुई लोगों का टाइम पास हुआ मनोरंजन हुआ या उनको बुरा लगा या फिर उनको किसी चीज का रियलाइजेशन हुआ या फिर आपने कुछ उनको ऐसा कुछ बता गए गया जो उनको अच्छा लगा तो ये आप अच्छे से कर सकते हो तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप शॉर्ट फिल्म को से बोल जाओ थोड़े गेर से जाए थोड़ा अच्छा मतलब मोबाइल के कैमरा से अच्छा आपके पास एक डी एस आ गया तो आप एक डी से शॉर्ट फिल्म तो शूट कर ही सकते हो मुझे दोस्त करते फिरते यहाँ पे वो लोग बहुत तगड़ा करते हैं लेकिन और उनका डीएसएल फिफ्टी थाउजें के रेंज में होता है आप एंट पे भी ले सकते हो और अगर आपने पहले ही शॉर्ट फिल्म लॉन्च कर ली ना आपको किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने शॉर्ट फिल्म लॉन्च की है क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट फिल्म मार्केट में आते हैं आपने क्या किया शॉर्ट फिल्म बनाने से पहले आपने खुद का नाम बनाया कि हाँ एक ऐसा ऐसा यूट्यूबर है जो कि क्रिएटिव है और फिर उसके बाद आपने एक शॉर्ट फिल्म डाली जो लोगों को लगाई है तो बहुत क्रिएटिव है इसने शॉर्ट फिल्म भी डाल दी <laughs> तो आपके पास एक पहले से ऑडियंस थी उनके ऊपर आप ट्राइन नजर करते जा रहे हो तो ये एक शॉर्ट फिल्म वाला और जो कि मैंने सेकंड जो कि अपनी फर्स्ट कंडीशन थी जिनके लिए फंडिंग नहीं है आपके पास जो देखो मैं बोल के मेरे से लिख के लो एक बुक में पढ़ा था कि हर इंसान के पास एक साल में एक ना एक ऐसा आइडिया आता ही है जो कि जो कि वो करना चाहता है मतलब मन से नहीं करना चाहता लेकिन जो कि अगर वो एग्जीक्यूट कर दे गलती से भी मतलब कुछ ना कुछ समझो गलती से हो गया उसके लाइफ में और उसने एग्जीक्यूट कर दिया तो वो करोड़ों का रेवेन्यू रेवेन्यू रहा प्रॉफिट नहीं रेवेन्यू जनरेट कर पाए तो हम लोग और तभी उस टाइम पे आपको ऐसा लगना चाहिए काश पैसे होते तो मैं कर देता जो कि हम लोगों के साथ हुआ और मेरे साथ एक बार नहीं मेरे साथ दो बार नहीं मेरे साथ बहुत बार हो चुका है कि मैं पैसों के लिए किसी चीज के लिए अटका पड़ा क्योंकि मैं घर वालों के पैसे लेके जिससे नहीं लगाना चाहता है देखो मैं ले सकता हूँ ठीक है लेकिन मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि एक, एक एक दो दो लाख रुपये वापा के चले गए तो आप बार बार फेंक देंगे अपने को घर से कट कट तो देखो मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ जो कि आप फॉलो करो ठीक है सबसे पहले आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आए पेन लो पेपर लो और पेपर पे लिखो सबसे पहले और मैं इसलिए बोल रहा हूँ पेपर पे लिखो आपको पेपर पे नहीं लिखना है उसको लास्ट में पेपर पे लिखो ठीक है कुछ नहीं बोल रहे आपको खाली पेपर पे लिखो और पेपर पे लिखने के बाद अगर आपके पास आ, आईफोन है तो उसके नोट्स में जाके आप आ, टाइप करो या फिर आपके पास कोई भी एंड्रॉइड है तो एक आ, नोट्स या फिर गूगल कैलेंडर पर जाओ गूगल कैलेंडर पर जाके आप हर साल के रिमाइंडर ऑन करो और वहाँ पर लिखो कि आपके दिमाग में क्या आइडिया आया था ठीक है उसको हर साल के रिमाइंडर के साथ लगाना और क्या आइडिया आया था ये भी लिखो और उसके बाद आप उसके थोड़ा डिस्क्रिप्शन दो कि आइडिया उस किस तरह से आया था ताकि आप एक साल बाद भी आपको वो चीज़ याद आए तो आपको पता होना चाहिए कि बेस क्या था इस चीज़ का तो आप थोड़ा रिमाइंडर लो और गूगल पे लिखना क्योंकि अगर आपने मोबाइल भी चेंज किया तो गूगल आपको भूलता नहीं है आपने <laughs> मोबाइल भी चेंज किया तो न्यू मोबाइल में भी वो रिमाइंडर दे देगा आपको एक साल बाद इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी ऐसा कोई भी चीज़ जो कि गूगल के साथ आपके मेन अकाउंट के साथ सिंक है उसको उसको यूज़ करना और उसको लिख के रखना मतलब आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आ जाए ठीक है कोई बात नहीं आपके पास अभी कुछ गेयर्स नहीं है आप कुछ कॉलेज में हो आप कुछ नहीं कर सकते आपके पास फंडिंग नहीं है कोई बात नहीं बोले वो आइडिया को लिख के रख दो प्लस मैं एक ना एक दिन वो आइडिया आपको फिर से याद आएगा और तब आपके पास पैसे होंगे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए और उस दिन आपको एग्जीक्यूट करके जो खुशी मिलेगी ना तगड़ी वाली मिलती है ठीक है तो मैं ये बोल रहा था कि उसको आ, आप लोग गूगल पर सिंक करके रख टाइप करके मैं पेज पे लिख की लिखने बोला सबसे पहले हम बहुत सारी कट करते हैं और हम लोगों को कैसे बचपन से बुक और पेन लेके लिखने की आदत होती है तो हमें कीबोर्ड पे इतना कंफर्टेबली हमारा ब्रेन लिख नहीं पाता है। एक मुझे को ऐसा लगता है जो मेरे साथ होता है इसलिए मैं सबसे पहले पेंसिल पेज लेता हूँ पेंसिल से पेज के ऊपर लिखता हूँ फिर उसको की लैपटॉप के ऊपर टाइप करता हूँ और फिर आदमी पेंसिल से ही लिखा हुआ फिर से एडजस्ट कर देता हूँ पेज बचाता हूँ अगले तो उस पेज को अगला बार यूज़ कर सकते हैं तो बस ये करना और दूसरी चीज़ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है प्लीज़ इसको देख लो तो प्लीज़ इस चीज़ को करना आप कर सकते हो तो देखो कॉलेज में हो घर से तगड़ी पॉकेट मनी मिलती है झूठ मत बोलना ठीक हाला है हालांकि पॉकेट मनी नहीं मिलती आपके मम्मी से अपने मांगे कि मम्मी मुझे सौ रुपये दे दो मुझे बाहर खाना खाना है मम्मी मना नहीं करेगी क्योंकि आप कॉलेज में हो ठीक है आप पाँच सौ रुपये मांग सकते हो तीन महीने में एक बार तो मैं चाहता हूँ कि आप हर महीने हर महीने कॉलेज में सौ रुपये तो प्लीज़ मिनिमम सौ रुपये बचा के रखो ठीक है बचा के रखो मतलब क्या बचा के रखो मतलब उन पैसों को लो और बैंक में डालो शेयर्स में डालो म्यूचुअल फंड्स में डालो जिसमें डालना डालो बस उसको कैश के टर्म्स में प्लीजर्व मत करके रखना अपनी घर पे क्योंकि किसी भी टाइम पे आप अगर आपके कोई दि दिमाग में आया कि हाँ मेरे को दूसरे के खाना फटक से वो पैसे उठा लोगे और उन पैसों को ऐसी जगह पे रखना कि आपको एक्सेस करने को थोड़े हार्ड हो मतलब शेयर मार्केट में शेयर बेच के आने को दो दिन लगता है तो मेरे को आज पैसे की जरूरत है तो मैं वो पैसों को देखूंगा भी नहीं दो दिन बात चाहिए ठीक है तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उनको थोड़ा निकालने में आपको तकलीफ होनी चाहिए वो पैसों को कि एक दो दिन लगेंगे ट्रांजेक्शन कम्पलीट होने के लिए तो हर महीने कॉलेज के सौ रुपये प्लीज़ बचाना और ये करना हार्ड नहीं है ठीक है सौ रुपये आप ऐसे बचा सकते हो छः सौ रुपये तो मैं एवरेज निकल जाते हैं छः सौ रुपये मेरा एक दोस्त था मनाने को लूँगा उसने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में टू थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज़ जमा करके रखे थे और उसने सब के सब एक लड़के लड़की पे उड़ा दिए ऐसी गालियाँ दिया है हमने उसको लेकिन कोई बात नहीं हर किसी का अपना अपना सपना होता है हर किसी की अपनी अपनी आदतें होती हैं लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है और उसके घर पर हिसाब विसाब देना पड़ता है फिर भी उसने टू थाउजेंड एट हंड्रेड साइड में निकाले थे जो कि घर पे पता नहीं है मतलब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि वो कर सकता है ना ना लाए तो आप लोग भी कर ही सकते हो ठीक है तो आपको बस एक थोड़ा सा अमाउंट साइड में निकालना लो हजे स्कूल कॉलेज में ट्राई मत करना है मैं कॉलेज वालों को बोल रहा हूँ एक पैसा साइड में निकाल दो और उसको डाल दो अगर समझो कि मैं ऑन एन एवरेज पकड़ के लो मिनिमम से निम अपने सौ रुपये डाले तो हर महीने के अपने सौ रुपये डाले तो आपके बारह महीने में हो जाएंगे एक हजार दो सौ रुपए ठीक है एक हजार दो सौ रुपए से क्या होएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है एक हजार दो सौ रुपए पे आपने समझो बारह परसेंट भी रिटर्न गेन कर लिया ऑन एन एवरेज आपने बारह सौ रुपए भी रख लिए है बारह सौ रुपए हर साल के तो चार साल के बाद वो पैसे कुछ पाँच छह हजार के अराउंड होते हैं तो पाँच छह हजार चार साल के बाद कोई तो आइडिया आएगा आपके दिमाग में जो कि पाँच छह हजार भी लगेंगे उसके लिए समझो आपके लिए समझो आपके पास एक आइडिया आया कि आपको बस एक, एक प्रोजेक्ट करना है क्योंकि उसको कोई देना है तो आप पांच हजार में भी कर ही सकते हो वो प्रोजेक्ट तो बस मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि सौ रुपये बहुत कम चीज होती है लेकिन आप पाँच सौ छह सौ रुपये आराम से निकल जाते हैं हर महीने के ठीक है तो बस आप लोगों को मैं यही बोल रहा हूँ कि हर महीने कॉलेज में हो तो आप पैसे इसीलिए नहीं बचा रहे हो कि आपको कुछ का, आप, आ, मुझे आप मेरे पास पैसे नहीं है या फिर मुझे कुछ करना है नहीं आप पैसे इसलिए नहीं बचा रहे हो आप पैसे इसीलिए बचा रहे हो क्योंकि शायद हो सके तो मतलब आप एक पॉसिबिलिटी को खत्म नहीं कर लिया आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि शायद अगर मुझे फ्यूचर में कोई आइडिया आया जिसमें तगड़ा वाला फंडिंग लगेगा तो मेरे पास पैसे पड़े उसमें मैं फंड कर सकता हूँ उस प्रोजेक्ट को जो भी मेरा सपना है उसके लिए और मुझे इतनी कोई तकलीफ या फिर मुझे बैंक से लोन आधा पैसा बैंक से लोन लेके पूरा बैंक से लोन ले लेना पड़ेगा या फिर किसी के सामने मांगना नहीं पड़ेगा तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हर महीने कॉलेज के अब बचा सकते हो ठीक है अभी तो लॉकडाउन है आप कॉलेज नहीं जा रहे हो जैसे लॉकडाउन ऊपर हो जाए या फिर मैं पिछले जो भी आप लोग एक एक या साल बाद ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए बहुत आसान है पैसे बचाना ट्रस्ट नहीं आ रहे हो नालाइक ने बचा लिया तो आप भी बचा सकते हो <laughs> तो, <laughs> तो प्लीज़ पैसे बचाओ थोड़े कॉलेज के अंदर मैं और ठीक है मोस्ट लिए कुछ आपको तकलीफ नहीं लेने पड़ती है खाली मम्मी को बोलो मम्मी बाहर जाना पाँच सौ रुपये दे दो मम्मी एक हफ्ते में सौ रुपये अगले हफ्ते बोलो मम्मी फिर से दोस्त लोग बाहर जा रहे हैं प्लीज मना मत करना प्लीज़ दे दो तो फिर से सौ रुपये मिल गए हफ्ते में चार हफ्ते होते चार सौ रुपये तो वैसे ही मिल गए चार सौ रुपये में से समझो अपने तीन सौ रुपये से सौ रुपये का असली में एक दिन कुछ खा लिया अच्छा खासा फीलिंग है ना फिर तो तो फीलिंग मिली अपने अपने फ्यूचर के लिए मतलब आपने एक पॉसिबिलिटी ओपन कर दिया पॉसिबिलिटी का जिसमें आप बिजनेस में एंटर हो सकते हो क्योंकि आपके पास तगड़ी फंडिंग पड़ी है ठीक है तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो गलती हम लोगों से हुई जो गलतियां मेरे फ्रेंड्स से हो रही है जो कि मैं देख रहा हूँ मेरे आजू बाजू में कि लोगों के पास फंडिंग की वजह से वो कोई स्टार्टअप नहीं कर रहे या फिर वो कोई रजल्ट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे तो प्लीज आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़े पैसे बचा के रखो शायद कोई आइडिया आया तो एग्जीक्यूट करने में आपको आसानी होगी तो उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने मिला हो अगर आप लास्ट तक देख रहे हो तो प्लीज़ तगड़ा वाला कुछ बनाओ अपना खासा अच्छा खासा रूल और जो कि मैंने बोला समराइज़ करो वीडियो को सबसे पहले आइडियाज़ को जिसमें क्लासी दो इसमें क्लासीफाई करो एक एग्जीक्यूटेबल आइडियाज़ और एक होते हैं जिनको तगड़ी फंडिंग लगती है आइडियाज़ जो एग्जीक्यूटेबल आइडियाज़ है जो कि थोड़े इम्पॉसिबल है इस मूवमेंट में इस मूवमेंट में थोड़े से इम्पॉसिबल है लेकिन पूरा इम्पॉसिबल मतलब थोड़, थोड़ा थोड़ा उनका पॉसिबिलिटी कम है लेकिन पूरा इम्पॉसिबल नहीं है वो जैसे कि शॉर्ट फिल्म वाला एग्जांपल जो कि मैंने बोला मोबाइल से कुछ ना कुछ शूट करते 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 रह जाओ एक टाइम बाद एक वही शॉर्ट फिल्म अच्छे खासे सेटअप से के साथ शूट करना ये एग्जीक्यूटेबल आइडिया था सेकंड था जिसमें करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लेंगे जैसे मेरा एक खुद का एक मेरे पास आइडिया है जिसमें सौ करोड़ रुपये तो मेरे को मिनिमम चाहिए क्योंकि उसे एक जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना वर्ल्ड के ऊपर वो तगड़ा वाला रहेगा ठीक है तो उसके लिए सौ करोड़ रुपये मिनिमम चाहिए मेरे को तो वो एक मैंने लिख के रखा है और मुझे हर हफ्ते रिमाइंड पर मैंने लगा दिया है क्योंकि मुझे वो करना है ठीक है <laughs> क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है जितना है जितना मेरे को लग रहा है उतना इम्पोर्टेंट वो है और असल में है वो सिर्फ मेरे को नहीं लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है वो तगड़े में असल में इम्पॉर्टेंट है वो हम करेंगे एक दिन जो जिस दिन करूँगा उस दिन आपको पता चल जाएगा और उसको दोनों क्लासीफाई करने के बाद जो आपका एग्जीक्यूटेबल आइडिया है उसको एग्जीक्यूट करो और देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हर दिन आप काम करना ना पॉसिबल नहीं होता है हफ्ते में अगर सात दिन सात के सात दिन में वीडियो शूट करने लग जाओ तो मैं आठवें दिन में पागल हो जाता हूँ <laughs> फिर मैं एक दो हफ्ता कुछ नहीं करता इससे अच्छा मैं अल्टरनेट वीडियो शूट करो तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि प्रोडक्टिव हो अपने उस गोल के साथ लेकिन इतना भी उस गोल को चिपक के मत बैठ जाना कि आप उसके लिए सब सब हर हफ्ते काम कर रहे हो और फिर वो ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है फिर आपका माइंड ठीक है ये किसी और दिन बताऊँगा कि कैसे आप लोग क्यों बनाए तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही मिलता हूँ आपको अगले वाले वीडियो में अगर आपको पसंद आया तो नीचे लाइक करना और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपका कौन सा आइडिया है जो आपका पीछे मिस हो गया था फ्यूचर वाला आइडिया मत लिख देना कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई तो होगा जो एग्जीक्यूट कर देगा उस वीडियो को तो पिछले आपके जो भी आइडियाज़ मिस हुए नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कौन से आइडियाज मिस हुए आपके तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में बाय